फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल क्विक नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि 2021 में यूपी उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग में कट ऑफ क्या थी, कितने मिनिमम मार्क्स पे क्लोज हुआ था काउंसलिंग। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हम देखते हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो जनरल कैटेगरी के 601 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी को सीट मिली थी, ये मिनिमम मार्क्स की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में। ईडब्ल्यूएस का था 599, ओबीसी का था 597 और एससी का था 454 और एसटी का था 241। ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, जहां पर स्टेट काउंसलिंग में 85 सीटें स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती हैं। इसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का हम कट ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। अब जानते हैं सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या गई थी स्टेट काउंसलिंग में। देखिए, किसी ने भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ जो है वो हाई चली जाएगी। लेकिन 2021 में कुछ ऐसा हुआ कि सेकेंड राउंड में कट ऑफ जो है हाई चली गई जनरल की और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। तो जनरल की जो गई वो 613 लास्ट क्लोज हुआ, ईडब्ल्यूएस की भी 613 लास्ट में क्लोज हुआ, ओबीसी का 607 था और एससी का 453 था और एसटी का 296 था। तो ये तो रही आपकी स्टेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग, मिनिमम इतने मार्क्स में सेकेंड राउंड क्लोज। देखिए फ्रेंड्स, मोपअप राउंड की काउंसलिंग में क्या हुआ स्टेट में, जनरल कैटेगरी का 585 पे लास्ट क्लोज हुआ और ईडब्ल्यूएस का 583 पे था, ओबीसी का था 580, एससी का जो था वो 420 था और एसटी का था 222। तो स्टेट काउंसलिंग में यूपी में मोपअप राउंड के दौरान कुछ, जैसे यहाँ तक कि झांसी में ऐसा हुआ था कि काफ़ी मेरिट लो गई थी, गवर्नमेंट कॉलेज में लो मार्क्स पर भी बच्चों के एडमिशन हुए थे, लगभग 585 पे लोगों ने एडमिशन ले लिए थे। तो यहाँ तक तो हम जानते हैं कि मोपअप राउंड तक का तो कट ऑफ पिछले साल ये गया था। अब हम बात कर रहे हैं कि 2022 में कट ऑफ क्या होगा। देखिए, 2022 में कट ऑफ लो जाने का चांसेस हैं, लेकिन कितना लो जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिक्रीज होती है कट ऑफ तो 4 से 5 मार्च तक के कट ऑफ जो होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि लगभग सभी स्टेट में सीटें इंक्रीज हुई हैं। यूपी में भी अभी तक लगभग 100 सीटें तक इंक्रीज हुई हैं, लेकिन आगे और इंक्रीज होने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो 2022 की कट ऑफ होगी वो 4 से 5 मार्क्स डिक्रीज होगी, 4 या फिर 5, इससे ज़्यादा मार्क्स डिक्रीज होने की संभावना नहीं है। फ्रेंड्स, 2022 की जो कट ऑफ डिक्रीज होने के चांसेस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पेपर का पैटर्न भी, बायोलॉजी का पेपर का पैटर्न टफ होने के कारण, उसके बाद कॉलेज में सीटें भी इंक्रीज की गई हैं, बढ़ाई गई हैं, साथ में ये भी एक पैटर्न बन गया है, एनएमसी ने नोटिफिकेशन दे दिया है कि जो लोग स्टेट काउंसलिंग में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कॉलेज चूज कर लेते हैं वो फिर अनदर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इस बार ये बहुत ही सख्ती से रूल फॉलो किया जाएगा। साथ ही में पिछली बार क्या हुआ था कि चाहे स्टेट काउंसलिंग की बात हम करें, चाहे हम ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें, तो ब्लॉकिंग हुई थी बहुत से स्टेट और ऑल इंडिया कोटे की जो सीटें थीं वो फिल नहीं हो पाई थी। काफ़ी सीटें 4 राउंड काउंसलिंग होने के बाद भी सीटें वैकेंट रह जाती हैं। इस साल ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल बहुत सी सीटें कॉलेजों की खाली रह गई थी। तो इस बार गवर्नमेंट ने साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ब्लॉकिंग नहीं होनी चाहिए, कॉलेजों की सीटें फिल होनी चाहिए। तो ये अनुमान हम लगा लेते हैं
एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारी 2022 की जानी चाहिए वो होनी चाहिए जनरल की। अगर हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की 2021 में जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें कट ऑफ हाई गई थी, उससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि 2022 की कट ऑफ क्या होगी। तो हम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की बात करें तो 613 गई थी। इस बार की अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो मिनिमम मार्क्स जो होंगे वो 597 होने चाहिए जनरल कैटेगरी के, EWS होने चाहिए 598 मार्क्स, OBC के हो जाने चाहिए 595, SC के जाने चाहिए 450 और ST के जाने चाहिए 245। साथ में कट ऑफ डिक्रीज होने की एक चांस और बन रहा है क्योंकि 50% जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से उनमें गवर्नमेंट की सीटें जो है फिल की जाएंगी और जिसमें गवर्नमेंट की फीस निर्धारित की जाएगी इस साल। तो कई सारे चांसेस बन रहे हैं कि कट ऑफ डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन मैंने पिछली बार भी वीडियो में बनाया था, अब मेरी नेक्स्ट वीडियो पे पिछले साल 2021 की देख लीजिएगा कि जो मैंने कट ऑफ का आंकड़ा तय किया था लगभग वही कट ऑफ गई थी 2021 में। इस साल भी मिनिमम अगर डिक्रीज होने के चांसेस बन रहे हैं तो 4 to 5 मार्क्स डिक्रीज होने के चांसेस बन रहे हैं इस साल भी। चूँकि UP हमारा बड़ा स्टेट आता है, इसमें लगभग 1,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं नीट एग्ज़ाम में, तो इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स का डिमांड भी रहता है। चूँकि ये ओपन स्टेट होने के कारण यहाँ पे बाहर दूसरे स्टेट के भी जो होते हैं स्टूडेंट्स वो अपना एडमिशन प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि पिछले साल ऐसा हुआ था ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने स्टेट काउंसलिंग छोड़ करके अपने यूपी स्टेट में पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए यूपी स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसमें कट ऑफ लगभग थोड़ा बहुत तो हाई जाती ही है, लेकिन फिर भी इस साल जो डिक्रीज होने की संभावना है वो 4 to 5 मार्क्स डिक्रीज होने की संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।